हेलो बच्चों, आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे सर्कुलर डायनामिक्स। सर्कुलर डायनामिक्स, ऐसे आप डायनामिक्स का मतलब तो आप समझते ही होंगे। डायनामिक्स का मतलब होता है काउज ऑफ मोशन, फोर्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। डायनामिक्स मतलब क्या होता है, काउज ऑफ मोशन। जैसे हम लोग काइनामेटिक्स पढ़ते थे, डायनामिक्स पढ़ते थे, ठीक है ना। तो काइनामेटिक्स का मतलब होता है मोशन का स्टडी, मोशन का स्टडी को बोलते हैं काइनामेटिक्स। डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, मोशन का पीछे का कारण को समझते हैं कि अगर मोशन हो रहा है तो उसके पीछे का कारण क्या है। हम लोग फोर्स के बारे में बात करते थे बेसिकली। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सर्कुलर डायनामिक्स, मतलब सर्कुलर मोशन के पीछे का कारण को समझेंगे। काउज ऑफ सर्कुलर मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो किस कारण हो रहा है सर्कुलर मोशन, ठीक है ना। कौन सा फोर्स काम करता है उस पर बात करेंगे हम लोग। हम लोग का टॉपिक है सर्कुलर डायनामिक्स। हम अपना टॉपिक को स्टार्ट करेंगे एक क्वेश्चन से। मान लेते कि एक पार्टिकल है। क्या एक पार्टिकल, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मतलब मेरा सवाल है, पहले ऐसे सवाल सुनिए ध्यान से। क्या कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन कर सकता है बिना एक्सटर्नल फोर्स का? इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। सवाल है कि क्या कोई पार्टिकल बिना एक्सटर्नल फोर्स के स्ट्रेट लाइन पाथ पर मूव कर सकता है या नहीं? आप सोचिए और जवाब दीजिए। इसका जवाब होगा यस, मूव कर सकता है। आप पढ़े थे न्यूटन्स लॉ, जब चैप्टर पढ़ रहे थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, तो उसमें क्या पढ़े थे कि अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स इस पर नहीं काम कर रहा है, अगर एफ नेट जीरो है, ठीक है ना, इस पर, इस पार्टिकल पर अगर कोई फोर्स काम नहीं भी कर रहा है, तब भी ये पार्टिकल मोशन करेगा, तब भी ये पार्टिकल मोशन करेगा, लेकिन इसका रफ्तार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसका रफ्तार क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि मोशन कर ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं है कि मोशन ही नहीं कर सकता है। तो एक पार्टिकल, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा सकता है बिना एक्सटर्नल फोर्स का। इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना, फिर भी ये मोशन कर सकता है, फिर भी ये मोशन कर सकता है, लेकिन स्पीड उसका चेंज नहीं होगा, स्पीड कॉन्स्टेंट है। अगर 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 20 मीटर पर सेकेंड से ही जाता रहेगा। अगर 40 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 40 मीटर पर सेकेंड से ही जाता रहेगा। अगर 100 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो 100 मीटर पर सेकेंड से ही जा रहा है, मतलब जाएगा। क्योंकि आप पढ़े रहे कि जैसे ही, मतलब मैंने स्पीड को चेंज करने के लिए तो फोर्स लगना पड़ेगा। तो हम कहें कि अगर फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, इस पर नेट फोर्स नहीं है, ठीक है ना, इस पर एफ नेट मतलब बाहर से कोई फोर्स इस पर नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है तो फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन नहीं रहेगा। न्यूटन सर आपको याद होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन आपको पता होगा, ठीक है ना, कि अगर नेट फोर्स जीरो है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी जीरो होगा, कोई गारंटी नहीं है, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर नेट फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। एक्सेलरेशन जीरो का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन जीरो का मतलब कि या तो रुका रहे बॉडी, ठीक है ना, या तो बॉडी कांस्टेंट रफ्तार से चलता रहे, ठीक है ना। दो स्टेट पढ़ते थे, ठीक है ना, अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन जीरो है तो या तो बॉडी रुका रहेगा, रेस्ट में रहेगा, या तो कांस्टेंट रफ्तार से मूव करेगा, कांस्टेंट रफ्तार से मूव करेगा। अच्छा, ये तो बात हो गया। फिर हम लोग करते हैं सेकंड बात, दूसरा सवाल मेरा, दूसरा सवाल मेरा कि क्या कोई पार्टिकल सर्कुलर ट्रैक पे चल सकता है बिना कोई एक्सटर्नल फोर्स का? क्या कोई पार्टिकल, एक पार्टिकल है, हमको सर्कुलर मोशन करवाना है, एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन करना चाहता है या सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो क्या कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो क्या ये पॉसिबल है कि उस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है ना। तो इसका बारे में आप सोचिए, क्या ख्याल है आपका। एक पार्टिकल है, जैसे इसमें क्या था, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा सकता है अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो भी, एक पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा सकता है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है ना, नेट फोर्स जीरो है, फिर भी बॉडी कांस्टेंट रफ्तार से जाएगा,
यहां पे सोचिए, यहां पे इसका आंसर है नो। इसका आंसर क्या है? नो। इसका आंसर नो है, ठीक है ना। सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता, सर्कुलर मोशन करवाने के लिए एक फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। फोर्स लगते रहना चाहिए तभी सर्कुलर मोशन होगा, फोर्स लगना बंद हो गया, ठीक है ना। तो सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन हो सकता है लेकिन सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। सबसे पहले इस बात को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। होता क्या है, कुछ बच्चा कहेगा कि सर क्या आप बात कर रहे हैं। हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना कि जैसे अगर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है वो एकदम कांस्टेंट रफ्तार से जा रहा है, जैसे यहाँ पर भी इसका रफ्तार है 20 मीटर पर सेकेंड। ये पार्टिकल जब यहाँ पहुँचा तो इसका रफ्तार इधर है 20 मीटर पर सेकेंड। पार्टिकल यहाँ पर पहुँचा फिर भी इसका रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड ही है, ठीक है ना। ये पार्टिकल यहाँ पहुँचा फिर भी रफ्तार 20 मीटर पर सेकेंड है, तो रफ्तार तो चेंज हुआ नहीं, रफ्तार चेंज हुआ नहीं, स्पीड चेंज हुआ नहीं, ठीक है ना। तो अगर कांस्टेंट स्पीड से कोई सर्कुलर मोशन पार्टिकल करेगा, कोई पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन करेगा, तो फिर फोर्स का क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है, फोर्स का जरूरत यहाँ पर भी है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में आपको पीछे भी पढ़ाए थे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन के समय कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में हर एक पॉइंट पर डायरेक्शन बदलता है स्पीड का, ठीक है ना। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, ठीक है ना। यहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है, पर इसके जस्ट वाला आगे वाला पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा, इसके जस्ट आगे वाला पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ और होगा। तो सर्कुलर मोशन के हर एक, मतलब एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है तो हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, भले स्पीड चेंज हो या नहीं हो। हो सके कि स्पीड कांस्टेंट को रख ले, 20 मीटर पर सेकंड से घूम रहा है, लेकिन डायरेक्शन को कैसे रखेगा, कंट्रोल में करेगा? अगर डायरेक्शन चेंज नहीं होगा तो फिर सर्कुलर मोशन होगा नहीं। अगर डायरेक्शन चेंज करना बंद कर दे तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो जाएगा नहीं, रेक्टिलिनियर मोशन हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर चेंज कर रहा है, ठीक है ना, अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है मतलब सर्कुलर मोशन कर रहा है तो डायरेक्शन चेंज करेगा, और डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो याद करिए डायरेक्शन चेंज कराने के लिए भी फोर्स लगते रहना चाहिए, बिना फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा नहीं। इसका मतलब कि अगर सर्कुलर मोशन कराना है आपको तो 100% इस बात को आप याद रखिए कि सर्कुलर मोशन तभी होगा, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन तभी करेगा जब उस पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कोई फोर्स लगेगा उस पर, ऐसा नहीं कि मतलब सर्कुलर मोशन कर लेगा, फोर्स लगते रहेगा तभी सर्कुलर मोशन करेगा। तो इस पर नेट फोर्स, अगर इस पर हम बात करें, तो इस पर नेट फोर्स जीरो नहीं हो सकता है। इस वाला केस में नेट फोर्स नॉट इक्वल टू जीरो। अगर नेट फोर्स जीरो हो गया, ठीक है ना, तो फिर सर्कुलर मोशन नहीं कर पाएगा। नेट फोर्स अगर जीरो हो गया, इस पर फोर्स लगना बंद हो गया, तो डायरेक्शन कौन चेंज करेगा? आप समझिए, स्पीड तो ठीक है चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है ना। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो बताए थे ना कि सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इससे पहले क्लास में। तो सेंटर की तरफ एक फोर्स भी आता है, उसको हम बात करेंगे, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक फोर्स काम करेगा सेंटर की तरफ, बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन नहीं हो सकता है। हाँ, बिना फोर्स का यह हो सकता है कॉन्स्टेंट रफ्तार से जा सकता है इसे सीधा, ठीक है ना। अगर मान लेते कि फोर्स लगना बंद हो जाए, जैसे अगर मान लेते पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल यहां से ऐसे ऐसे गया और यहां पर तक गया, ठीक है ना, उसके बाद क्या हुआ कि फोर्स लगना बंद हो गया। जैसे ही कोई फोर्स लगना बंद हो गया तो क्या होगा, ये मुड़ नहीं पाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज नहीं कर पाएगा, ये ऐसे सीधा जाने लगेगा यहां से, ठीक है ना, ऐसे सीधा जाने लगेगा 20 मीटर पर सेकंड से सीधा जाने लगेगा। तो जब 20 मीटर पर सेकंड से सीधा जाने लगा तो सर्कुलर मोशन कहां है, क्योंकि एक फोर्स चाहिए जो इसको मोड़े, ठीक है ना। हर एक पॉइंट पर फोर्स लगना चाहिए, मतलब इसको धीरे धीरे करके मोड़ेगा, तो मोड़ने के लिए मतलब डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक फोर्स लगता है सेंटर की तरफ। उसका बात हम लोग करेंगे अभी, जस्ट सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पढ़ेंगे अभी हम। सबसे पहले लेकिन ये बात आपको समझना पड़ेगा कि अगर सर्कुलर मोशन करवाना है किसी पार्टिकल को, या कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, ठीक है ना। उसका नाम होता है, उसके बारे में बात करेंगे, जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स पर हम लोग चर्चा करेंगे अभी जस्ट, ठीक है ना। तो ये याद रखना ये बात कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए फोर्स चाहिए, बिना फोर्स का सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन आप स्ट्रेट लाइन मोशन में क्या पढ़ते थे कि कोई पार्टिकल पे अगर फोर्स लगना बंद भी हो जाए, ठीक है ना, नेट फोर्स अगर जीरो हो भी जाए, ठीक है ना, तो नेट फोर्स जीरो हो गया, एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, ये सीधा चलते रहेगा, ठीक है ना। फोर्स का जरूरत नहीं है, ये कॉन्स्टेंट रफ्तार से 20 है तो 20 मीटर पर सेकेंड से सीधा जाते रहेगा,
हाँ फिर उसको रोकना है तो फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर चलाना है तो फिर तो फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं है, फोर्स नहीं भी लगेगा तो कॉन्स्टेंट रफ्तार से चलते रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता है, सर्कुलर मोशन कराने के लिए हर समय पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, पार्टिकल पर एक एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। तो ये दो सवाल को आप थोड़ा समझिए, फिर हम लोग बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसको नोट करें। हम लोग बात करने वाले हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स द नेट फोर्स एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ द नेट फोर्स एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स द नेट फोर्स एक्ट टुवार्ड द सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा सेंट्रीपिटल फोर्स को समझते हैं, ठीक है ना। ये तो एक लाइन लिख दिए, इसको समझते भी हैं और रियल में सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है इस बात पर ध्यान देते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या लिखा है हम, नेट फोर्स एक्ट टुवार्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे अगर मान लेते हैं कि एक सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, पार्टिकल कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन, पार्टिकल यहां पर है और ये सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर है ये सर्कल का, ठीक है ना, ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है और ये पार्टिकल ऐसे ऐसे गोल 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 घूम रहा है। तो इस पर क्या है ना कि एक फोर्स लगेगा इधर, इस पर एक फोर्स लगेगा इधर सेंटर की तरफ, ठीक है ना, सेंटर की तरफ। वही उसी का नाम है, मतलब वही उसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए सबसे पहली बात आपको समझना पड़ेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स जस्ट ए नेम, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेम है, सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। कुछ बच्चा ऐसा समझ लेता कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक रियल फोर्स है, जैसे टेंशन एक फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन एक फोर्स है, ग्रेविटेशन एक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला जो फोर्स होता है, तो जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, वैसे ही बच्चा समझता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन रियल में ऐसा नहीं है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेम है, ठीक है ना। सेंट्रीपिटल को हटाकर आप ऐसे भी समझ सकते हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करे तो देखिए कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, उस फोर्स को हम उस समय सेंट्रीपिटल फोर्स बोलेंगे। मतलब कौन सा फोर्स है जो उसको घुमा रहा है, कौन सा फोर्स है जो सर्कुलर मोशन करा रहा है, ठीक है ना, उस फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स बोल देंगे, ठीक है ना। तो याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है ना, मतलब ऐसा नहीं कि सेंट्रीपिटल फोर्स समझना कि एक फोर्स होता है, ठीक है ना, कि जैसे टेंशन एक फोर्स होता है, नॉर्मल एक फोर्स होता है, उस प्रकार का कोई फोर्स नहीं होता है, ठीक है ना। इस बात को आपको थोड़ा समझना है। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हम आपसे अगर बात करें, ठीक है ना, अभी तो फिलहाल यहाँ पे चलिए छोड़िए, अगर मान लेते हैं कि अभी आप बात करें कि जैसे रस्सी में इसको हम बांध देते हैं, रस्सी तो फिलहाल यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना, रस्सी रहता तो हम बांध देते हैं, रस्सी में इसको हम बांध दिए हम, ठीक है ना, रस्सी में इसको हम क्या किए, बांध दिए, एक सेकेंड,
ये देखिए, ये इसको क्या कर रहे हैं, देखिए ये क्या हो रहा है, ठीक है ना, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो अगर मान लेते हैं कि हम बात करती है, ये भी मार्कर है, मार्कर सर्कुलर मोशन कर रहा था, तो मार्कर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो एक सेंटीपिटल फोर्स होगा, ठीक है ना। तो अगर सोचिए कि ये सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना, सर्कल में घूम रहा है, तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो सेंटर की तरफ फोर्स, ये टेंशन काम कर रहा है। अगर ये रस्सी है, ठीक है ना, तो ये रस्सी का टेंशन फोर्स इसको घुमा रहा है, तो इस समय टेंशन सेंटीपिटल फोर्स है। ऐसा नहीं कि मतलब हमेशा, ऐसा नहीं समझना कि हमेशा जो है ना टेंशन ही सेंटीपिटल फोर्स होगा, ऐसा नहीं। जैसे अगर मान लेते कि यहाँ देखिए ये लटका हुआ है, तो अभी भी टेंशन फोर्स काम कर रहा है। अगर लटका हुआ है तो टेंशन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, लटका हुआ तो टेंशन फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, इस पर, ठीक है ना, रस्सी खींचा हुआ है, ठीक है ना, रस्सी में टेंशन फोर्स काम कर रहा है। लेकिन अभी ये टेंशन को सेंटीपिटल फोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि अभी बॉडी घूम नहीं रहा, ये टेंशन अभी इसको घुमा नहीं रहा है। लेकिन अगर ये टेंशन, यही टेंशन, ठीक है ना, यही टेंशन इस मार्कर को अगर घुमाना शुरू कर दे, ठीक है ना, इस मार्कर को घुमाना शुरू कर दे, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि ये टेंशन अब सेंटीपिटल फोर्स बन गया, क्योंकि टेंशन के कारण बॉडी घूमने लगा, ठीक है ना। तो कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ध्यान दीजिए, देखिए कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा है, कोई रियल फोर्स ही होगा। कभी कभी ग्रेविटेशन फोर्स हो सकता है, कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो सकता है, कभी नॉर्मल, जनरली मतलब नॉर्मल के कारण भी हो सकता है, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, ठीक है ना, फ्रिक्शन के कारण भी घूमता है, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स है, ठीक है ना, जनरली फ्रिक्शन आएगा, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आएगा, टेंशन फोर्स आएगा। तो ये सब जितना फोर्स है ना, ये सब फोर्स ही को बोलेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे अगर मान लेते हैं कि हम आपसे बात कर रहे हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में आपको समझना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स एक नेम है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम है सिर्फ, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एक नाम है, ठीक है ना। जैसे अगर मान लेते हैं कि हम बच्चा से बोल दें कि जैसे अगर रस्सी में बांधा हुआ है, ठीक है ना, ये रस्सी में था, ये रस्सी है, मान लेते हैं ऐसे रस्सी है, ये ऐसे ऐसे से घूम रहा है, जैसे अभी हम घुमा रहे थे, ये ऐसे रस्सी में घूम रहा है, ये एक बॉब है, ठीक है ना, ये एक बॉब है और ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो हम बच्चा से पूछे, बताओ कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा काम कर रहा है, बच्चा बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। हम बच्चा से पूछें कि सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स काम करेगा, अगर बच्चा बोल दिया सेंटीपिटल फोर्स, तो ये क्वेश्चन को ही रिपीट कर दिया, ये आंसर नहीं दिया, ठीक है ना। हम अगर बोले कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन है, या हम बोले कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा काम कर रहा है, वो दोनों एक ही सवाल है। सेंटर की तरफ जो फोर्स काम कर रहा है, वो एक नाम से हम पुकारते हैं कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स को कहेंगे, ठीक है ना, कि वो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है। वो फोर्स है कौन, वो फोर्स ग्रेविटेशन वाला है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाला है या टेंशन है, कौन सा फोर्स है सेंटर की तरफ। ऐसा नहीं कि बोलेगा कि मतलब हम पूछेंगे कि बताओ सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स है, बच्चा बोलेगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन को ही दोबारा रिपीट कर रहे हैं ये बोलकर, तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है ना, कि यहां पर टेंशन है, यहां टेंशन है, अगर ये पार्टिकल यहां पर है तो टेंशन फोर्स ऐसे सेंटर की तरफ काम कर रहा है, ये मान लेते यहां पर है तो टेंशन ऐसे काम कर रहा है, ठीक है ना, यहां है तो टेंशन इधर काम कर रहा है, ठीक है ना, तो टेंशन ऐसे काम कर रहा है, टेंशन है जो टेंशन फोर्स है यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है। तो यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, टेंशन, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना इस बात को। तो सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई रियल फोर्स नहीं समझना है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स को कोई रियल फोर्स नहीं समझना, कोई रियल फोर्स होता ही नहीं है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक नाम है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा उसको हम सेंट्रीपिटल बोल देंगे। अच्छा अब थोड़ा समझिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या था, एम इंटू ए पढ़ते थे फोर्स का फॉर्मूला, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के समय ये फॉर्मूला पढ़, पूरा एनएलए में यूज करते थे इस फॉर्मूला को, ठीक है ना, एफनेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है ना, एफनेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ऐसा यूज करते थे। अब सोचिए कि अगर मान लेते हैं कि कोई बॉडी, ठीक है ना, कोई बॉडी सर्कल में घूम रहा है, कोई बॉडी या कोई पार्टिकल, ठीक है ना, सर्कुलर मोशन कर रहा है,
तो कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है ना, कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है ना, सेंटर की तरफ कोई ना कोई फोर्स होगा, चाहे टेंसर हो चाहे फ्रिक्शन हो, कोई भी फोर्स हो पर होगा, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स है नहीं, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कोई फोर्स है नहीं, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स तो बस एक नाम है, ठीक है ना, कौन सा फोर्स काम कर रहा है वो देखना होता है। तो अब समझिए कि हम कल बताए थे, कल मतलब किससे पहले क्लास से बताए थे कि कोई पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है ना तो दो एसलेशन होता है, एक सेंटर की तरफ एसलेशन होता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एसलेशन AC, और अलोंग द टेंजेंट एक एसलेशन होता है उसको बोलते हैं AT, टेंजेंशियल एसलेशन, ठीक है ना। तो फिलहाल इसको तो आप जीरो कर दीजिए, क्यों जीरो कर दीजिए, हम ऐसा मान रहे हैं कि ये पार्टिकल कॉन्स्टेंट स्पीड से घूम रहा है, ठीक है ना, इस पार्टिकल मान लेती है पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड से घूम रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है ना, ये पार्टिकल 20 मीटर पर सेकंड से ये गोल गोल घूम रहा है, तो स्पीड तो 20 मीटर पर सेकंड ही है, चेंज हो नहीं रहा है, तो ये तो जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका काम होता है स्पीड को चेंज करना। तो इसके पास सिर्फ AC है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कितना है AC, तो सेंटर की तरफ फोर्स क्या होगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, अगर इसका मास को आप मान लेते हैं m, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जानते हैं कि AC इक्वल टू होता है v² / r, ठीक है ना, तो v² / r, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना, इसको आप ये कह सकते हैं या फिर इसको ये कह सकते हैं कि यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है, ठीक है ना, FC सेंट्रीपिटल फोर्स, यही सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv² / r। तो ये समझना है। अच्छा एक बात और कर सकते हैं हम आपके साथ, आप ये भी तो पढ़े थे ना कि v इक्वल टू होता है ω·r, तो FC इक्वल टू m और v के जगह पर पुट करिए ω·r, तो ω² r² / r कैंसल, ठीक है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m ω² r, ये याद रखना है, सबसे पहले इसको याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² / r या सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला m ω² r, mv² / r या m ω² r, ठीक है ना, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला अगर v दिया रहे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, अगर ओमेगा के टर्म में अगर हमको निकालना रहे तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं आपको, ठीक है ना, इसको नोट तो करना ही है, ठीक है ना, पहले आप इसको नोट कर ही लें, ठीक है ना, आप इसको पहले नोट कर लें फिर हम लोग बात करते हैं, ठीक है ना, इसको नोट करें, हो गया हो है, स्क्रीन को पॉज करके आपको नोट कर लेना है हर बार। चलिए ये तो हम बात किए थोड़ा सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, तो आपको समझना है, आप समझ गए होंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बस एक नाम होता है, जो फोर्स सेंटर की तरफ काम करेगा, ठीक है ना, वही सेंट्रीपिटल फोर्स होगा, और वो एक रियल फोर्स काम करते रहता है, कभी टेंशन काम करेगा कभी ग्रेविटेशन फोर्स काम करेगा, इस प्रकार से आपको समझना है। तो ये सेंटर है, ठीक है ना, और कोई पार्टिकल ऐसे काम कर रहा है, मतलब एक पार्टिकल ऐसे घूम रहा है तो फोर्स काम कर रहा है सेंटर की तरफ। हम क्या देखें, हम ये देखें कि अगर मान लेते हैं कि एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है, एक पार्टिकल जिसका मास क्या है स्मॉल m है, एक पार्टिकल जिसका मास स्मॉल m है और अगर ये भी रफ्तार से घूम रहा है, एक पार्टिकल जिसका मास m है और अगर ये भी रफ्तार से घूम रहा है, एक पार्टिकल जिसका मास m है और ये भी रफ्तार से घूम रहा है, ठीक है ना, एक पार्टिकल जिसका मास m है भी रफ्तार से ऐसे गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो इसको घूमने के लिए, ठीक है ना, इसको इस प्रकार से सर्कल में घूमते रहने के लिए सेंटर की तरफ कितना फोर्स काम करना चाहिए, सेंटर की तरफ कितना फोर्स काम करना चाहिए,
तो हम बोले इसका मास m, कितना वेलोसिटी से घूम रहा है, v का स्क्वायर और बटा इस सर्कल का रेडियस देखो r, तो m v स्क्वायर बाई r। तो आपको इस मतलब इस बात से आपको समझना है कि किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए, किसी भी पार्टिकल को सर्कुलर मोशन कराने के लिए इतना रिक्वायरमेंट होता है फोर्स का, एम वी स्क्वायर बटा r फोर्स चाहिए। और ये एम वी स्क्वायर बटा r फोर्स जो लगा देगा उसी को सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। कभी ये एम वी स्क्वायर बटा r फोर्स ग्रेविटेशन लगा देगा, कभी एम वी स्क्वायर बाई r फोर्स फ्रिक्शन लगा देगा, कभी एम वी स्क्वायर बाई फोर्स एम वी स्क्वायर बाई r फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा देगा, चार्ज वाला फोर्स लग जाएगा, ठीक है ना। तो इस बात को आपको समझना है कि ये रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट है, ये जरूरत है, ठीक है ना, कि सर्कुलर मोशन कराने के लिए सेंटर की तरफ, ठीक है ना, इसका जितना मास है, जितना वेलोसिटीज घूमना है, भी का स्क्वायर करिए बटा आर करिए, इतना फोर्स लगना मतलब लगाना है, इतना फोर्स लगना चाहिए। और इसी को हम बोलते हैं कि इतना कंपलसरी है कि इतना फोर्स लगेगा, इससे कम फोर्स या इससे ज़्यादा फोर्स नहीं लगना चाहिए, ठीक है ना। इसी को बोले हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो कोई भी लगा सकता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स एक नाम है, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला आया एम वी स्क्वायर बटा आर। मतलब कि कोई भी पार्टिकल को सर्कल में चलने के लिए, कोई भी पार्टिकल को सर्कल में चलने के लिए इतना फोर्स का जरूरत है, ये फोर्स कोई भी लगा सकता है। और जो लगा देगा, जो फोर्स इतना इसको फुलफिल कर देगा, उसको बोल देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। थोड़ा और समझिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि सन है, सन और अर्थ का केस लेते हैं, सन है, ये क्या है, सन है, ये अर्थ है, मान लेते हैं ये अर्थ है, तो सन के चारों ओर अर्थ घूमता है, तो अर्थ तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, अर्थ तो सर्कल में घूम रहा है, देखिए अर्थ तो सर्कल में घूम रहा है, मतलब अर्थ पर एक सेंटर की तरफ तो फोर्स लगेगा, इस बात पढ़ चुके हैं। अगर सेंटर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो अर्थ घूम नहीं पाएगा, और चूंकि अर्थ घूमते रहता है तो फोर्स लगेगा, ठीक है ना। कितना फोर्स लगेगा, एम वी स्क्वायर बटा आर, एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स लगेगा। मतलब अर्थ को सन के चारों ओर घूमने के लिए रिक्वायर मतलब जरूरत है कितना फोर्स लगाने का, एम इसका मास, जितना वेलोसिटी से घूमना है अर्थ को, वी का स्क्वायर बटा आर, इतना जरूरत है, कितना फोर्स मतलब इतना मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है कि अगर एम वी स्क्वायर बटा आर कोई लगा दे, ठीक है ना, तो अर्थ घूमेगा। पर आप थोड़ा सुनिए कि ये लगा कौन रहा है, ठीक है ना, कौन सा फोर्स लग रहा है अर्थ पर, कौन सा फोर्स लग रहा है अर्थ पर, अर्थ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो सन का ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, सन का ग्रेविटी, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स, सन का ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे लग रहा है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो यहां पर क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन अगर हम आपसे पूछें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, पहला अगर हम आपसे पूछें कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, देखिए हम पूछे अगर कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सा है या सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, दोनों बात एक ही है, दोनों अलग अलग बात नहीं है, दोनों एक ही बात है। तो सेंटर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है। बाकी ग्रेविटेशनल फोर्स का अगर आप फॉर्मूला पढ़े हैं कि जी एम वन एम टू बटा आर का स्क्वायर होता है, तो इक्वल कर देंगे एम वी स्क्वायर बटा आर के। ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों के बीच है और वही सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो इस तरह से आपको समझना पड़ेगा इस बात को। और थोड़ा एग्जांपल्स लेते हैं। थोड़ा और एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते हैं, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है,
तो अगर ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ तो एक फोर्स लगेगा। हाँ लगेगा, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ फोर्स तो लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर सेंटर की तरफ तो एक फोर्स लगेगा। तो कौन सा फोर्स यहां पर लग रहा है सेंटर की तरफ, यहां पर सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, सेंटीपीटर फोर्स लग रहा है, सेंटीपीटर फोर्स। तो आप समझ गए होंगे इतना देर में, ठीक है ना, कि अगर हम पूछ रहे हैं कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन लग रहा है, तो हम यही पूछ रहे हैं कि सेंटीपीटल फोर्स कौन है, ठीक है ना। हम अगर पूछ रहे हैं कि सेंटर की तरफ फोर्स कौन सा लग रहा है, तो हम यही पूछ रहे हैं कि सेंटीपीटल फोर्स कौन सा है, जो फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसका नाम बताना है। तो यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, चार्ज होता है ना इलेक्ट्रॉन के पास, ठीक है ना, तो चार्ज वाला फोर्स इसके बीच एक, ठीक है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। इसके बीच कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो होता है के क्यू वन क्यू टू वटा आर के स्क्वायर। तो इसके इसके बीच ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा जिसका फॉर्मूला है, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एम वी स्क्वायर बाई आर के, क्योंकि हम तो पढ़े हैं कि इस पर कितना फोर्स लगना चाहिए, एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स लगना चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन कर पाएगा। इसका मास और जितना वेलोसिटी से घूम रहा होगा इलेक्ट्रॉन और ये रेडियस एम वी स्क्वायर बटा आर। तो ये बात आपको अब समझ में आया होगा, ठीक है ना। इतना रिक्वायरमेंट होता है सर्कुलर मोशन कराने के लिए, किसी भी पार्टिकल को सर्कल में घुमाने के लिए एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स का जरूरत पड़ता है। और ये एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स जो लगा देगा, एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स जो लगा देगा, कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स लगा देता है, कभी कभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा देता है, इतना कभी कभी टेंशन लगा देगा, जो लगा देगा, ठीक है ना, तो इसके इक्वल हो जाएगा। एम वी स्क्वायर बटा आर फोर्स लगना चाहिए, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगाया तो ये बराबर होगा। चलिए, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं हम, एक हम क्वेश्चन करते हैं, एक सिंपल पेंडुलम है, इसका बॉब यहां पर मीन पोजीशन पे है और कुछ वेलोसिटी इसका भी है कुछ वेलोसिटी भी है, इसका मास कुछ दिया हुआ है, एम मास इसका है। सवाल है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, बताइए कि स्ट्रिंग में, धागा में कितना टेंशन है, बताइए धागा में कितना टेंशन है। कुछ बच्चा कहेगा कि कितना आसान सवाल है, ठीक है ना, ऊपर लगेगा रस्सी टेंशन टी, नीचे लगेगा एम जी, ठीक है ना, और टेंशन इक्वल हो जाएगा एम जी के, टेंशन इक्वल हो जाएगा एम जी के, पर ये गलत है पर ये गलत है। ऐसा कब होता है, ठीक है ना, ऐसा तब होता है जब इसके पास कुछ रफ्तार नहीं रहे, ठीक है ना, ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, ठीक है ना, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन है, क्यों एक्सेलरेशन है, ठीक है ना, क्योंकि कुछ रफ्तार है। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, वी स्क्वायर बटा आर होता है। अगर वेलोसिटी है इसके पास, तो देखिए ना, ये सर्कल में घूम रहा है ना, ये सर्कल में घूमेगा, ऐसे ऐसे सर्कल में घूम रहा है, अब ये सर्कल में घूम रहा है, इसके पास कुछ रफ्तार है, तो भी है तो एसी भी होगा, अगर भी है तो सेंटर की तरफ एक एक्सेलरेशन भी होगा, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा। तो ये नहीं कह सकते, जब एक्सेलरेशन है सेंटर की तरफ, तो आप नहीं कह सकते कि टेंशन एम जी बराबर होगा, आप नहीं कह सकते कि टेंशन एम जी बराबर होगा। आप क्या कह सकते हैं, ऊपर टेंशन है नीचे एम जी है, ऊपर टेंशन है नीचे एम जी है, ठीक है ना, तो आप क्या करिएगा, ठीक है ना, नेट फोर्स टुवार्ड्स द सेंटर, नेट फोर्स, सेंटर कहाँ है सर्कल का, ऐसे है ना, सर्कल सेंटर ये है, ये सेंटर है, तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ निकालिए, नेट फोर्स सेंटर की तरफ। तो देखिए सीधा सा बात है कि टेंशन फोर्स बड़ा है, टेंशन फोर्स बड़ा होगा, टेंशन फोर्स बड़ा है, एम जी छोटा है, तभी तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ होगा। और इस बात को आपको याद रखना है कि जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सर्कुलर मोशन होगा,
तो सेंटर की तरफ तो कुछ ना कुछ फोर्स होगा, और सेंटर की तरफ फोर्स हमको कुछ ना कुछ रखने के लिए हमको टेंशन को बड़ा करना पड़ेगा। अगर mg बड़ा होगा तो फोर्स इधर हो जाएगा, ठीक है ना, नेट फोर्स इधर हो जाएगा, नेट फोर्स इधर होगा, तो ये ऐसे घूमना चाहिए, ऐसे घूमना चाहिए, लेकिन ये ऐसे घूम रहा है ना। अगर ये ऐसे घूम रहा है तो नेट फोर्स इधर कुछ होगा, और नेट फोर्स इधर कुछ है तो मतलब टेंशन माइनस एम जी इक्वल टू नेट फोर्स हो गया इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m, एक्सेलरेशन कितना है सेंटर की तरफ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला वी स्क्वायर बटा आर। तो अब यहां से टेंशन निकला एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बटा आर, टेंशन इक्वल टू निकला एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर।